Students, in our previous video of class 6 chapter number 7 algebra, we discussed that a solution of a linear equation by using transposing method. Now in this video we discuss another method, another question, that is we have to check whether x is equal to 6 is the solution of the given linear equation or not. अब आपको ये चेक करना है कि x equals to 6 given equation का solution है कि नहीं है. अब चेक करने का method क्या है? जब मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो मैंने बताया था आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, LHS एंड RHS. जब भी इक्वेशन साइन आएगी या इक्वेशन साइन आएगा तो LHS एंड RHS इक्वेशन के दो पार्ट हो जाएंगे. LHS RHS के इक्वल आना चाहिए कब? जब x की वैल्यू आप 6 पुट कर दो इक्वेशन के अंदर. अगर x की वैल्यू 6 पुट करने पर LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल आता है, देन वी से दैट x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन और द रूट. सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं. इज द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ऐसे सिमिलरली x इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में ही पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि LHS RHS पार्ट दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. अगर LHS RHS पार्ट आपस में इक्वल आते हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और आप ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू 6 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ x - 7 = 11. अगेन इक्वेशन गिवन है तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड कर देता हूँ मैं इसको, LHS एंड RHS. नाउ इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो LHS है, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो RHS है. तो सबसे पहले हमने लिखा LHS. LHS पार्ट दे रखा है 3x - 7 एंड RHS पार्ट दे रखा है आपको 11. मीन्स x की वैल्यू दे रखी है आपको 6. चेक करना है x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 6 पुट कर देंगे यहाँ पर और देखेंगे कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. चेक कर लेते हैं, x के प्लेस पे 6 पुट कर देते हैं. 3x का मतलब है 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 6 के साथ, क्योंकि x की वैल्यू 6 पुट कर दी आपने. -7 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 6, दैट इज 18. नाउ 18 - 7, दैट इज 11. आप देखेंगे LHS की वैल्यू आ गई 11, LHS की वैल्यू आ गई 11 और RHS भी आप देखिए क्या आ गया 11. मीन्स LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल. LHS RHS के इक्वल आ गया है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा LHS इज इक्वल टू RHS. सो x इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ऐसे ही सिमिलरली में सेकेंड एग्जाम्पल भी करेंगे. इसका क्या देख रखा है? 2x + 8 = 15 है. नाउ अगेन x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? x के प्लेस पे 6 पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, LHS एंड RHS. तो अगेन इक्वेशन गिवन है, इसके दो पार्ट कर लेंगे. LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट गिवन है 2x + 8, देन RHS पार्ट गिवन है इसका, दैट इज 15. x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें यहाँ पे? 6. x की वैल्यू 6 पुट करने पे अगर LHS RHS के इक्वल आता है, मींस x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. पुट कर देते हैं वैल्यू 2 × 6 + 8. 2 × 6 दैट इज 12 + 8 दैट इज 20. आप देखेंगे LHS आ रहा है 20 एंड RHS आ रहा है 15. मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि LHS में तो वैल्यू आ रही 20 और RHS में वैल्यू आ रही 15. अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आता, मीन्स x इक्वल टू 6 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. कहेंगे x इक्वल टू 6 इज नॉट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का हम रूट भी बोलते हैं. इज नॉट द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ दिस इक्वेशन नाउ दिस इज द मेथड टू चेक वेदर द गिवन वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन और नॉट. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.